गाउचर्स डिजीज, हाउ मेनी पीपल नोस अबाउट गाउचर्स? क्या आप गाउचर्स नोज डिजीज के बारे में जानते हैं? क्या गाउचर्स डिजीज यानी कि इंसान के दिमाग और हड्डी और खतरनाक, जो कि इंसान को मर ही इंसान जाता है, क्या आप इस बीमारी के में जानते हैं? अगर आप गाउचर्स डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी आप जरूर जानेंगे। गाउचर्स डिजीज क्या होता है? एक बीमारी है जो कि दिमागी तौर पर मरीज नाकारा हो जाता है। वजह क्या है? जो कि इस वजह से हड्डियों के टूट फूट का अमल भी होता है और लीवर का साइज जिगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होती है। ये गाउचर्स डिजीज किस कस्म के डिजीज़ है? ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, जो कि लाइसोसोम के नॉर्मल फंक्शन न करने की वजह से होता है। लाइसोसोम्स के बारे में, ये किस तरह इंसान पर मुकम की बीमारी फैल जाती है, इसके बारे में 1965 ईस्वी में एक WH, जो कि बेल्जियम के WG होर्ब्स ने 1965 ईस्वी में ये तहकीक पेश की कि अगर लाइसोसोम का एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज जिस्म में पैदा नहीं होता, तो इसकी वजह से गैर हजम शुदा ग्लाइकोजन खुलियों में जमा हो जाता है। इसके नतीजे में वर्म पैदा हो जाता है और इससे टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इस तरह मुख्तलिफ कस्म के बीमारियां नमूदार होती है, जो कि लाइसोसोम के फंक्शन सही न करने की वजह से, जिसको हम मुख्तलिफ नामों से उन बीमारियों को जानते हैं। वो बीमारियां जो कि 30 मुख्तलिफ बीमारियां होती है, उनमें से ये जो खतरनाक डिजीज है, जो कि टी सेक्स डिजीज, गाउचर्स डिजीज और क्रेप डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि इंसान को दिमाग नाकारा हो जाता है, इंसान अंधा भी हो जाता है, इंसान को 2-3 साल के अंदर ही इंतकाल कर जाता है इस बीमारी की वजह से। इसमें हड्डियों का टूट फूट का अमल हो जाता है, इंसान का लीवर का जिगर यानी ये बढ़ जाता है। मेनली इस बीमारी में दिमाग नाकारा हो जाता है। ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, जो कि लाइसोसोम के सही फंक्शन न करने की वजह से होता है।